गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज निकला हूँ मैं गाड़ी लेके और हमारे साथ है अंकित भाई। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, जब से विवेक गया है तब से अंकित भाई हमारा साथ दे रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं पहुँचा हूँ आपका काठगोदाम और काठगोदाम से आगे का सफ़र करता हूँ तय। तो कहाँ कहाँ जाएंगे गाइस आपको बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में गाइस, मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। हम उतर चुके हैं, रास्ते में पहुंचे हैं हम, और हम कुछ लेंगे चाय वाय। बाकी आगे जहां जा रहे हैं वहां दिखाएंगे, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। मैं पहले गया था जब मैं ब्लॉग नहीं बनाता, लेकिन आजकल मैं ब्लॉग बना रहा हूं। तो वहां जाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे। बोले तो वेज खाना खाएंगे। आज शनिवार है गाइस, आज तारीख आपकी हो चुकी है 4, और आज हम पहुँचे हैं भुजिया घाट से ऊपर। सामने हमारी गाड़ी है, उधर दुकान भी लगी है गाइस। तो गाइस, अभी यहाँ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद बढ़िया करके कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद जहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है कि शायद ही आपने देखा होगा गाइस। तो गाइस यार, वीडियो देखा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। और हमारे साथ है हमारे अंकित भाई, और इन्हें अभी खाया है तुम्हारा, बोले तो घूमते खाए अभी। गाड़ी देखी सामने, भाई चलते हैं फिर अपनी गाड़ी के साथ। और हमारा साथ दे रही है आज ये गाड़ी, गाड़ी का क्या नाम है? टाइगर। गाड़ी का नाम है टाइगर, और ये हमारा साथ दे रही है। और आज हमारे साथ है अंकित भाई, ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो गाइस चलते हैं, अभी कहाँ निकलते हैं, और ड्राइव आज मैं कर रहा हूँ, सीधे निकलते हैं गाइस। तो गाइस, गाड़ी में जाएं पहाड़ में और गाना ना गुनगुनाएं तो मज़ा आता नहीं है। तो गाइस, छोटा सा सॉन्ग जो मैं पहले सुनता था वो आज मैं सुनाना चाहता हूँ। जब कोई बात पड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। गाइस, अगर ये सॉन्ग आपको अच्छा लगा हो मेरी जवान से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें गाइस। क्योंकि अभी मैं गाइस गाना सुनना था, गाड़ी में बड़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा शायद मैं अपने बड़े भाई लोगों के पास पहुँचाऊँ ये सॉन्ग, और जो भी हमारे गाइस हैं मुझसे जुड़े हुए हैं उनके पास पहुँचाऊँ। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ आपका, बोले तो जोलीकोट, रास्ते में हूँ। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे अभी प्लान पक्का नहीं बना है कुछ, और ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अब देखते हैं आगे का सफ़र क्या रहता है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, जहाँ मुझे जाना था सुबह, जो मैंने सोचा था घर पे, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। क्या नाम है गाइस इसका? फाइंड मी कैफे। शायद गाइस आप आए होंगे, ये अपने हल्द्वानी में ही फिस्टा के बगल में, और जंगल फिस्टा के बगल में गाइस। तो मैं पहुंचा हूँ, नीचे जाएंगे इसके गाड़ी लेके, और मैं पहुंच चुका हूँ गाइस, और काफी लोग यहाँ आ भी रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ जाऊंगा अंदर, क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा वो आपको दिखाएंगे गाइस। पहुंचते हैं सीधी, कुछ हद नहीं बोलूंगा। नज़ारा आपको दिख रहा होगा, गाड़ी में नीचे ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरे है कैमरा, बोले तो सेल फोन, और एक हाथ में गाड़ी। तो थोड़ा गाइस डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो है ही, क्योंकि हमने वादा किया आपसे अच्छी अच्छी जगह दिखाने का, तो वो तो हम जाएंगे ही। काफ़ी नीचे रोड गाइस, और डर भी लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं। गाइस कैसा लग रहा हूं मैं गाड़ी में गाइस, पक्का बताना गाइस, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने गाड़ी चलाई है, और मैं पहुँचा हूँ। वहाँ जाके कॉफ़ी लेंगे, मैगी लेंगे, खाना लेंगे, जो लेंगे बताएंगे गाइस। और चलते हैं अभी सीधी, गाड़ी लगाते हैं, आइए। गाइस मैं उतर गया और गाड़ी लगा रही है मेरे पार्किंग में, और ये है मेरी गाड़ी का रिमोट, इससे हो गई लॉक। अब चलते हैं सीधी, आइए मेरे पास। इतना अच्छा पानी है, इतने अच्छे पेड़ है गाइस, देखिए आप। शायद ही आप आए होंगे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गाइस कभी भी आइए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ, तो यहाँ पक्का आओ, यहाँ काफ़ी अच्छा बोले तो दिखने का है। और यहाँ पर सेल्फी वेल्फी लेने का भी है गाइस, वहाँ सेल्फी वेल्फी लेने का भी है। बाकी लोग आते भी हैं यहाँ घूमने फिरने, बोले तो गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ वगैरह वगैरह, लेकिन मैं तो फिलहाल आया हूँ फ्रेंड के साथ गाइस, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है नहीं।
तो गाइस यहाँ से स्टार्टिंग होने का है, बोले तो अंदर जाने का है, तो गाइस मैं जा रहा हूँ अंदर। ही देखिए बाकी तो सेल्फी पॉइंट भी है गाइस, वो भी आपको दिखा दूँ। यहाँ शाम को बड़ा मजा आता है, ये देखिए यहाँ गाइस सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं और हम भी सेल्फी लेंगे। ये है सेल्फी पॉइंट और यहाँ पर अभी हमने और अंकित भाई ने सेल्फी ली, ये देखिए। और पीछे बाकी बैठे हैं, आपको देख रहे हैं वो भी सेल्फी ले रहे हैं, कस्टमर है फिलहाल। गाइस आपको दिखा दूँ कितना प्यारा झरना आ रहा है यहाँ पर, देखिए दिख रहा है आपको झरना। बाकी ले चलते हैं आगे गाइस, आइए अंकित भाई। यहाँ भी सही है, वहाँ झूला वूला है ना। हाँ तो वापस आ जाऊँगा मैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा झूला है यहाँ पर झूलने का, ये देखिए। मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, देखता हूँ कोई कोई डांटे ना, तो यहाँ तो बैठ सकता हूँ। ये गाइस देखिए कितना प्यारा यहाँ झूलने का भी है। गाइस देखिए यहाँ म्यूजिक का भी पूरा सिस्टम है, देखिए म्यूजिक चल रहा है यहाँ, देखिए गाइस। और कितना एंजॉय आ रहा है, और यहाँ लोग भी आ रखे हैं काफी अच्छे अच्छे ये देखिए सिस्टर हमारी यहाँ मैं सिस्टर मिली और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि यूट्यूबर की लाइफ ही ऐसी है, क्योंकि लोग मिलते रहते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम हो गया, 2:30 बज चुके हैं दोपहर के, और गाइस यहाँ भूख लग रही बहुत तेज, तो हमने किया है ऑर्डर बुक। और अंकित भाई बताएंगे क्या खाएंगे, क्योंकि शनिवार है तो आज बैज ही खाएंगे गाइस। और आज खाने वाले हैं, देखो मेरा फेवरेट है मशरूम, तो वो भी हमारे साथ ही खा लेंगे, और रोटी और राइस। तो गाइस हमने बुक कर दिया और अभी आएगा तो बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है। और यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये भैया अभी लेके आएंगे, यही खाएंगे बढ़िया करके हम। तो मशरूम ले आइए एक और रोटी ले आइए बढ़िया करके। तो गाइस मशरूम ऑर्डर कर दिया है, वो आएगा अभी खा के बढ़िया करके, तब तक और कुछ दिखा देते हैं आपको बढ़िया करके, बोल दो। तो गाइस अभी और चलते हैं कहीं, ये देखिए धूप धूप इतनी प्यारी आ रही है, क्या बताएं। और यहाँ पर हमारे दो भाई भी हैं, वो भी कोई काम कर रहे हैं यानी क्या, ये देखिए। यहाँ एक सुंदर सा गांव, ये इस गांव का नाम है, गांव का ये है दो गांव। तो गाइस ये पड़ता है दो गांव में, और हमारे यहाँ दोस्त में मिले हैं, ये देखिए हमारे बड़े भाई भैया, हमारे भैया ये भी है। गाइस जहाँ हम पहुंचे हैं, और इसका नाम क्या गाइस आप बताओ बड़े भाई। फाइंड मी कैफे एंड कैंप। फाइंड मी एंड कैफे, कैफे एंड कैंप। अच्छा अच्छा कैंप। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं और खाना ऑर्डर कर दिया है, और अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा। ये देखिए कितना प्यारा, कितना प्यारा बना रखा है। यहाँ के ऑनर कौन है, बाबूजी कौन है, मालिक श्री दलीप डसीला जी। तो गाइस जो यहाँ के ऑनर है वो हमारे हल्द्वानी के हैं, श्री दलीप डसीला जी, ये गाइस उनका है। और इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि यहाँ लोग आते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो ले चलते हैं आपको अंदर, अभी बन रही है ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अंदर, और अंदर छोटे छोटे से रूम हैं। यहाँ अपने फ्रेंडों के साथ आओ, कभी पार्टी करो, बोले तो बर्थडे करो, बोले तो हैप्पी बर्थडे करो। ये देखिए आए पार्टी करने सब लोग। अंकित आ जाओ, यहाँ ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, थैंक यू। तो ये देखिए ये दोनों दोस्त लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं, ये सिस्टर फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल बना रखा है यहाँ, पता ही नहीं चलेगा बोले तो कि कब दिन होगी और कब शाम होगी। ये देखिए गाइस बोले तो गांव के स्टाइल में। और गाइस मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं भी अपने गांव जाने वाला हूँ, और मैं गांव में आप लोग खेत खलिहान घर जो मेरा पुराना घर है वो भी आपको दिखाऊंगा गाइस। तो फिलहाल तो हम पहुँचे हैं नैनीताल रोड पर, और इतना ब्यूटीफुल कैफे बना रखा है इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे साथ हैं अंकित भाई, हमारे बाकी और भी फ्रेंड लोग हैं। अब खाना आने वाला है हमारा, फिर खाना खाएंगे और बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। तो गाइस हमारे भी जा चुका है पानी और गिलास, और गिलास भी गाइस यहाँ तांबे के होंगे, देखिए यहाँ ये क्वालिटी है गाइस, गिलास तांबे के होंगे, देखिए दिख रहा होगा आपको तांबे गिलास। ये अंकित भाई का, ये मेरा, अरे ये तुम्हारा, ये मेरा, अरे सॉरी ये तुम्हारा, ये मेरा, देखिए गाइस कितना मज़ा आ रहा है। ये आपकी, तो बोले तो ये आपका, ये मेरा, तो ऐसा कर लो, बोले तो आप ये ले लो, ये मैं ले लूँगा, ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, सब कुछ आपका ही है। लाइट देखिए कितनी प्यारी लगा रखी है गाइस, कभी आपने ऐसा जग नहीं देखा होगा, देखिए जग कितना प्यारा जग है गाइस, ब्यूटीफुल जग है, बिल्ली की तरह जग बना है। ये देखिए गाइस इसको ऐसे घुमा, म्याओ करेगी म्याओ, ये देखिए जग, ये जग पकड़ने का, इससे पानी डाल देगा, फड़ा करेगी। अगर आपको ये जग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कुछ। गाइस हमारा आ चुका है गरम गरम खाना, और हम खाने वाले हैं अब। गाइस हमारे भी जाए बोले तो मशरूम और गरम गरम रोटियाँ,
ठीक है जी, ये है रोटियाँ, ये देखिए रोटियाँ, और ये आगे मशरूम हमारा, तो अभी रोटी मशरूम कर लेंगे, सलाद भी आई है, सलाद भी लेना, सलाद अलग से नहीं बनेगी, ग्रीन सलाद जी। आ चुका है हमारा खाना गाइस, ये हमारा मशरूम, ये हमारी प्याज, और ये हमारी मक्खन लगी हुई रोटियाँ, अभी खाते हैं फिर बताते हैं आपको टेस्ट, तो बने रहिए ब्लॉक में। तो गाइस हम लेंगे अभी प्लेट में, ये है 2 चम्मच छोटे बड़े टन टन वाली, ये है नैपकिन, ये हमारी प्लेट, और इसमें डालेंगे मशरूम। तो पहले हम देंगे अपने अंकित भाई को, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारे बड़े भाई हैं, तो अंकित भाई को दे दें, हमने अंकित भाई को दे, अब लूँगा मैं इसमें गाइस, मेरा और आपका है, ठीक है, जो मैं भी खाऊंगा आप भी खाएंगे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और ये हैं रोटियाँ, ये देंगे अंकित भाई को, और ये लेंगे आप और हम। तो खाते हैं अभी, फिर करते हैं बात बात तालाब। ओके बाय गाइस, ये है हमारी ग्रीन सलाद, इसमें है प्याज, और बोले तो खीरा, बोले तो हरी मिर्च, और गाजर, मजा आ रहा। बैठे मैं सोचता हूँ यार, तुम लोगों को इतना प्यार दे रहे हो, तो अच्छा ब्लॉग बनाओ ना, ब्लॉग तो मेरे सारे अच्छे हैं आपके प्यार से, लेकिन मन कर देते हैं मेरे गाइस कि मैं बोले तो जब 10,000 हो जाएगा ना सब्सक्राइब मेरे, तब मैं एक पार्टी दूंगा और सबको अपने हाथ से खाने खिलाऊंगा, आई प्रॉमिस यू, पक्का गाइस। और भी मंगा रखे हैं मैंने चावल, चावल आने वाले हैं, और अंकित भाई तो फटाफट खींचने में है, किसी से बात नहीं कर रहे। तो गाइस राइस आ चुकी है, हम खा रहे हैं राइस, और रोटी वोटी खा ली, बढ़िया कर रहे, खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी खाना है यहाँ का, कभी भी आओ खाना खाए। और हमने एक चीज़ और मंगा रखी है, क्या नाम है उसका, ग्रीन रिवर, ग्रीन लवर रिवर, रिवर ग्रीन रिवर आ रहा है गाइस, वो आपने पिया होगा शायद, और नहीं पिया होगा तो यहाँ के पी लेना यार, वो आने वाला है। और फिलहाल तो मैं चावल खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे, क्योंकि मेरे चावल बहुत फेवरेट है यार, बोले पीली खिचड़ी और सोयाबीन की बरी मैं बहुत खाता हूँ गाइस। तो गाइस कभी भी अगर आप मुझे वीडियो में कभी भी, जैसे अगर बोले तो पार्टी में और बर्थडे में बोले तो मुझे बुलाओगे, तो प्लीज़ यार सोयाबीन की बरी और पीली खिचड़ी थोड़ी बनवा देना यार, क्योंकि मेरी फेवरेट है। तो अभी आ रही ग्रीन लवर, वो पीते हैं फिर दिखाते हैं आपको। गाइस तांबे में गिलास में पानी पीने का अलग ही मजा है, ये तांबे का गिलास है, इसमें हम पानी पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मशरूम की सब्जी बहुत ही टेस्टी, उसके साथ था चावल बहुत टेस्ट था, उसके साथ ही रोटी मक्खन वाली वो बहुत ही टेस्टी, उसके बाद हमने मंगाया बोले तो ग्रीन सलाद, वो बहुत अच्छा था। और एक चीज़ और मंगा रखी है गाइस, उसका नाम एक बार और बता देते हैं इनको, ग्रीन रिवर, ग्रीन रिवर रिवर। गाइस आ चुकी है हमारी, देखिए सामने लाओ, रख दो तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, देखिए आ चुका है ग्रीन, एक हमारा और एक हमारे अंकित भाई का, ये तो बोले दोनों का प्यार कम ना हो, ये नींबू देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए टेस्ट अच्छा लगे तो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब और घंटा बजाना ना भूले। अब इसको पीते हैं गाइस, और फटाफट निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, पी के बताएंगे इसका टेस्ट कैसा था, कभी आप भी आइए तो इसे पक्का पिए। ओके गाइस, देखिए गाइस आपको दिखाएगा अभी पीने का मजा, खट्टा हो रहा है बहुत और मजा भी आ रहा है। तो गाइस खाना खा लिया, खाना था बहुत टेस्टी, टंकी हो गई फुल, और ये भी पी लिया, तो अब चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आज आपके चक्कर में सिर्फ आपके प्यार से खाना इतना खा लिया, पता नहीं चला 6 रोटी खाई, इतने सारे चावल, पेट भर चुका है, अब सीधे निकलते हैं बोले तो बिल के काउंटर पे, सीधी अपनी गाड़ी के पास। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी और कुछ भी दिखा सकते गाइस आपको। गाइस खाना खा के बाहर को आ गए, देखिए धूप निकल रही है, मस्ती आ रही है, धूप निकल रही है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, सीधी बिल काउंटर पे जाएंगे, सीधी गाड़ी पे जाएंगे। गाइस सब कुछ हो चुका है, आप सीधे निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी सीधी हल्द्वानी। जैसे कि गाइस आपने देखा बरेली यहाँ से 109 किलोमीटर हल्द्वानी 12 किलोमीटर और भी कुछ है, सर्किट हाउस गाइस 7 किलोमीटर। तो गाइस आप सीधे निकलते हैं घर के लिए, बोले तो हल्द्वानी के लिए,
हल्द्वानी जाके पता चलेगा कहाँ जाते कहाँ नहीं। गाइस बने रहिए ब्लॉक में। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं हल्द्वानी, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ तिकोनिया। तिकोनिया शोरूम में लिए हमने कपड़े क्योंकि बुआ के बेटे की है शादी। गाइस एक ब्लॉग आपने देखा होगा जिस दिन मेरे बुआ के बेटे की सगाई थी, उसमें हम सब लोग गए थे। तो अब 7 तारीख की है बारात और 6 तारीख को है कुछ छोटा सा फंक्शन, वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अब पहुंच चुका हूं मैं लिवाइस शोरूम, वहां से मैंने कर लिए थे एक जींस और एक जींस की टी शर्ट। तो गाइस मैं पहुंचा हूं शोरूम, अब शोरूम में जाते हैं फिर देखते हैं कुछ और पसंद आएगा तो कुछ और भी लेते हैं। इसे देखिए यह लिवाइस शोरूम, अब हम जाएंगे अंदर, आइए। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ लिवाइस शोरूम और यहाँ है हमारे दोस्त, हमारे भाई और एक हमारी दोस्त भी हैं, सिस्टर भी हैं, मैडम भी हैं, बोले तो कुछ भी लेकिन कुछ वैसा मत समझना। ये देखिए हमारे भाई और ये हमारी मैडम। तो आज का दिन कैसा गया आपका, कुछ बताएंगे? बढ़िया। और ये हमारे बड़े भाई और ये भी हमारे बड़े भाई हैं। खाली हेलो कर। गाइस चलते हैं अभी ऊपर और हमारी जो कल हमने लिए था कपड़े वो कहाँ हैं, रेडी हो चुके हैं वो अंदर है सर के। तो गाइस आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारे हैं लिवाइस शोरूम के मैनेजर और हमारे बड़े भाई, और क्योंकि काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, क्योंकि मैं जब भी कपड़े लेने आता हूँ तो लिवाइस शोरूम ही आता हूँ। तो गाइस इनसे हमें मिला, बड़ी खुशी हुई। तो गाइस बताइए क्या कहते हैं आज का दिन कैसा गया आपका? बढ़िया गया, आप बताइए, आप आइए। तो वेलकम, थैंक यू। कपड़े हो गए रेडी? थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस आज का ब्लॉग होता है कम्प्लीट, क्योंकि पूरे दिन आपको बताइए हम कहाँ गए, कहाँ घूमे, कौन सी गाड़ी से गए, कौन हमारा साथ था, किन ने हमारा साथ दिया। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं करता हूँ कम्प्लीट। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और घंटा बजाना ना भूलें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, आई लव यू, मिस यू।